पूछता भी था। पूरी इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel after so long. I hope you all are doing great. I'm also doing great. Meet a new guest on my YouTube channel. Jante sab. Meet Zishan Zafar, my husband. Zishan Zafar, my audience Zishan Zafar. Okay? Introduce. Isse zyada to kuch nahi kara sakti main. So today we are here to give all of your questions के आंसर्स लाइक बहुत टाइम से यू ऑल आस्क्ड सो मेनी क्वेश्चंस लाइक हाउ यू गाइस मेट हाउ योर लाइफ इज गोइंग ऑन आफ्टर मैरिज सो वी हैव प्रिपेयर्ड तो नहीं खैर हमने क्वेश्चंस देखे हैं और हम डायरेक्ट यहीं पे आंसर दे रहे हैं क्योंकि वी डोंट स्क्रिप्ट एनीथिंग तो लेट्स मूव इनटू द वीडियो So the first question is your first meeting most asked question. अच्छा तो we भी guys met पूरी story तो हम नहीं बताएंगे but we met on social media. That's it. इससे ज़्यादा हम नहीं बता सकते क्योंकि हम मेरी सिर्फ insta family नहीं है यहाँ पे और बहुत से लोग भी हैं. उसका फिर हम एक अलग से vlog बनाएंगे. उसका हम एक अलग से कुछ time बाद vlog बनाएंगे आप लोगों के लिए. तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट टेल मी अबाउट योर लव स्टोरी कोई ऐसी खास लव स्टोरी नहीं है अरेंज हुई फिर हाँ शादी के बाद लव हो गई राइट जब भी मेरी शादी हुई आई वुड रिक्रिएट योर बारात लुक ऑन माई बिग डे इंशाल्लाह थैंक यू सो मच इट विल मीन्स अ लॉट टू मी सेलिब्रिटी टू शेयर योर पिक्चर्स ऑल्सो आप सेलिब्रिटी हो गई यस फील हो रहा है मुझे मतलब अच्छा ओके शादी की थकन कितने दिन में गई अभी तक नहीं गई और मैं दो दिन बाद ही ऑफिस चला गया था जिस तक बात है वो अभी तक उतरी है क्योंकि हमारी शादी के बाद इवन बहुत सारी शादियां आई हैं लाइक मेरी अपनी कजन की शादी फिर दूसरी कजन की शादी ऐसा नहीं कि बहुत दूर दूर की शादियां हैं भी बहुत करीबी और रिलेटिव्स की शादी तो अटेंड करना भी जरूरी होता है तो वी कांट स्किप इट तो अभी तक थकन उतर ही रही है आपके ससुराल में कौन कौन है I have two sister-in-laws. वो लोग मैरिड हैं ऑलरेडी दे हैव किड्स और आई हैव वन brother-in-law जो अपने काम से काम रखता है बहुत ही सीरियस पर्सनैलिटी है और वन mother-in-law एंड ऑफ कोर्स वन father-in-law दैट्स इट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्लॉग्स कब आएंगे यार व्लॉग जो है ना ये शादी के बाद मेरा कोई फर्स्ट व्लॉग होगा क्योंकि हमें कोई टाइम ही नहीं मिला हमने खुद भी कोई साथ इतना कोई टाइम स्पेंड कहीं जाके किया ही नहीं है जस्ट एक दफा हम डिनर पे गए राइट दो दफा गए मुझे याद रहता है मुझे याद नहीं रहता शायद हम एक ही दफा गए ओके तो उसके बाद हमें अपना खुद का कोई बहुत ऐसा जाने को नहीं मिला कि मैं व्लॉग करती तो यस तो अब व्लॉग स्टार्ट हुए इंशाल्लाह हम डेली व्लॉगिंग नहीं कर सकते नहीं कर सकते ऑफ कोर्स नहीं ऑफ कोर्स क्योंकि मेरा ऑफिस होता है और इसका भी हेक्टिक डे होता है तो हम लोग ने सोचा कि वीक में एटलीस्ट आपको दो व्लॉग्स हम लोग दें दो से तीन व्लॉग बनाएंगे बट सीख गए अच्छा वन मोर क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा आता है बहुत ज्यादा आर यू गाइस कजन्स नो वी आर नॉट एट ऑल हम कजन्स लगते हैं क्या कहीं से रिजेंबल्स करते होंगे बट फेस भी रिजेंबल नहीं करते थोड़ा बहुत करते हैं थोड़ा बहुत तभी लोगों ने बोला है हो सकता है हाउ इज योर मैरिड लाइफ गोज ऑसम अच्छा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये होती है कि अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है अगर अंडरस्टैंडिंग है तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ गुजरती है मुझे क्वेश्चंस आते थे कि आप शादी के बाद ये करेंगी नहीं करेंगी तो आई ऑलवेज आंसर यू गाइज के आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग शोहर टू बी ही ऑलवेज सपोर्ट मी इन एवरीथिंग लाइक
अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुझे आपका ड्रेस चाहिए बारात का प्लीज. माय नंबर हम नहीं देगा. ड्रेस नहीं मांगू. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. रूम टूर प्लीज. ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत आया. रूम टूर और वैनिटी टूर मैं दोनों एक साथ बनाऊंगी तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट और बनाऊंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द. माशाल्लाह यू गाइस आर मेड फॉर ईच अदर. थैंक यू सो मच. बहुत से अच्छे अच्छे कमेंट्स भी हैं. इतनी दुआएं दी हुई हैं. इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स हैं तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. हाउ यू कन्विंस योर पेरेंट्स फॉर अर्ली मैरिज. ओके मुझे कन्विंस करने की जो पेरेंट्स हैं वो मेरा बहुत बिग सपोर्ट थे इस चीज़ में क्योंकि माय पेरेंट्स हैव अ क्लियर माइंडसेट अ क्लियर मतलब हर चीज़ को लेके मेरी चाहे मैं सोशल हूँ चाहे मैं किसी से दोस्ती करती हूँ कुछ भी हर चीज़ को अंडरस्टैंड करते थे और दे टीच मी कि ये करना है ये नहीं. तो आई थिंक कि जब उन्होंने देखा कि आई have decided a right person तो they automatically convinced. मुझे इतना convince करने की जरूरत नहीं पड़ी. फेस पे क्या लगाती हो? फाइजर ब्यूटी क्रीम नहीं लगाती लाइवा. ये मैं आप लोगों को पहले बता दूँ. फाइजर ब्यूटी क्रीम नहीं लगाती. बाकी सारे नुस्खे आजमाए हैं. बस इतना बता सकती हूँ मैं. आप रबीता आपकी फूफो की बेटी है? नहीं जी रबीता मेरी खाला की बेटी है और आप सब भी उनको जानते हैं क्योंकि वो मेरे बहुत क्लोज हैं और उनकी शादी भी मुझसे भी बहुत क्लोज रही है और आप लोगों से भी बहुत क्लोज रही है. आपका बारात का ड्रेस इतना सिंपल क्यों था? सिंपल था मैंने वेयर किया हुआ था यार मत पूछो. बहुत हैवी था क्योंकि आई वॉज वेयरिंग टू दुपट्टास वन हेयर एंड वन ऑन माई हेड तो इट वॉज सो हैवी. कोई हल्का नहीं था भाई. आपने अभी तक अपनी शादी वाले व्लॉग्स क्यों नहीं डाले? यार शादी पे अगर मैं लाइव व्लॉग्स करने बैठ जाती तो मैं दुल्हन कैसे लगती और कोई मेरे पास कोई एक्स्ट्रा कोई बंदा था नहीं जो मेरे व्लॉग्स बनाता तो जस्ट मैंने हाईलाइट्स डाल दी हैं. क्यूटेस्ट कपल एवर. थैंक यू. आई है ना क्यूटेस्ट कपल. अनसीन पिक्चर्स ऑफ योर बारात की कोई भी ऐसी अनसीन पिक्चर नहीं है. मैंने सब कुछ अपलोड कर दिया अपने इंस्टाग्राम पे. जॉइंट फैमिली में रहती हैं प्राइवेसी कैसे मेंटेन रखती हैं? यस आई लिव इन जॉइंट फैमिली बट घर का एनवायरनमेंट ऐसा है नहीं कि कोई एग्जैक्टली यहां पे. और कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं जस्ट अकेली रह रही हूँ क्योंकि माय मदर इन लॉ इज सच अ डिसेंट वुमन तो वो कभी किसी चीज में इंटरफेयर नहीं करती. कहीं जाने का कोई प्लान नहीं है भाई. भाई देखिए हम जो ये वाली चीजें हैं ना ये हम आहिस्ता आहिस्ता रिवील करेंगे. एकदम कर देंगे तो क्यूरियोसिटी कैसे रहेगी राइट? तो ये चीज भी आ जाएगी. पास पिक्चर आएगी यस एकदम से बम पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन एनीथिंग ही लाइक्स अबाउट यू एंड यू लाइक अबाउट हिम. ओके चलो पहले आप बताओ मैं बताता. अच्छा एनीथिंग कोई एक चीज नहीं है. आई लव हिम एंड आई लव एवरीथिंग अबाउट हिम. मतलब चाहे वो नेचर हो चाहे वो कोई और चीज हो तो कोई एक चीज नहीं है. हाँ एक चीज ये है कि ही इज लाइक अगर हम किसी शादी में भी जा रहे होते हैं ना और अगर वापस आते हैं वो होते हैं ना बिस्तर पे कपड़े फेंक दिए और ये कर दिए होते मैं जिस मिरर में देख रही होती हूँ अपना मेकअप उतारी पीछे देखती हूँ तो एवरीथिंग वाज लाइक सेटल डाउन. लाइक कपड़े खुद ही हैंग हुए हुए होते हैं शूज अपनी जगह पे होते हैं एवरीथिंग. तो ये बेस्ट थिंग है जो मुझे लगता है हर वाइफ चाहती है अपने शॉर्ट्स में. सब चीजें ही अच्छी हैं लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जितना भी गुस्से में हो अगर मैं इसको प्यार से मनाऊंगा ना ये मान जाएगी. फिर चाहे जितनी बड़ी बात हो इसको होता है बस के मुझे मना लो. Yes. मुझे मनाओगे मैं फौरन ठीक हो जाऊंगी. Yes. तो ये सबसे अच्छी बात है. ओके आर यू इंटरेस्टेड टू सेल योर ब्राइडल ड्रेस? आई एम सीरियस नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड. मैं अपनी दुल्हन का ड्रेस क्यों बेचूं भाई? मैं नहीं सेल करूंगा उसको. आप लोग लेके जाएं और जैसा बनवा लें. मैडम योर स्टडी. यार मेरी शादी से नहीं मेरी इंगेजमेंट के बाद ना लोगों को मेरी स्टडी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो गया था. आई डोंट नो व्हाई जिसको पूछो. इन्होंने मैं बता इन्होंने पीएचडी किया है हर काम में. आप इनको जो बोले बोलते मैं सही कर लेती मुझे सब आता.
तो आप समझ जाएं। आपका फेवरेट शैम्पू ये बहुत ही आप लोग नाजुक सूरत हाल वाले सवाल कर रहे हैं, मतलब फेवरेट शैम्पू तक बात पहुंच चुकी है। आपने अपना आउटफिट कहाँ से लिया है? शादी के आउटफिट की अगर बात करिए आप तो माई वेडिंग आउटफिट वॉज फ्रॉम लिबास खास एट तारिक रोड एंड माई रिसेप्शन ड्रेस वॉज फ्रॉम सी ग्रीन ऑन तारिक रोड एज वेल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर योर बरी एंड शादी शॉपिंग। अच्छा, जो मुझे बरी में चीज़ें मिली थी वो तो मैं कभी, अगर मुझे टाइम मिला तो आई विल शो यू गाइस। बहुत माशाल्लाह बहुत बहुत सामान है। और जो मैं बता दूँ मैं जब नेक्स्ट डे जब मैंने अपना ड्रेसिंग का ड्रॉअर खोला था तो एवरीथिंग वॉज सेटल डाउन। लाइक जैसे मैं अपने घर में अपना ड्रेसिंग टेबल बहुत ज़्यादा असेंबल करके रखती थी, मैंने ड्रॉर्स खोला, आई वाज लाइक ज़िशान, मतलब इतनी सारी लिपस्टिक्स थी और वो सब सेटल हुई थी एक जगह, एक एक लिपस्टिक, एक एक ग्लॉस, एक एक लाइनर, मस्कारा, आई शेडो पैलेट्स एंड ऑल। तो आई वॉज सो सरप्राइज एंड आई वॉज सो हैप्पी। यू ऑल नो कि हाउ मच आई लव मेकअप। तो यस, मोस्ट ब्यूटिफुल ब्राइड, थैंक यू सो मच। आपके हस्बैंड आपके रिलेटिव हैं या आउट ऑफ फैमिली? आउट ऑफ फैमिली रिलेटिव कैसे हो सकते हैं? रिलेटिव हो सकते हैं। से समथिंग अबाउट सेलिब्रिटी कपल आयजा खान एंड दानिश तैमूर, क्या कहें उनके बारे में? वो दोनों अच्छे हैं, दे लोग भी अच्छे हैं, तो वो दोनों और हम दोनों दोनों अभी उनके बारे में पूछा जा रहा है तो उनके बारे में ही रिप्लाई करेंगे। दे आर गुड। अच्छा, आई लाइक आयजा खान मोर देन दानिश तैमूर। दानिश तैमूर भी मैं उसे लाइक कर चुका हूं, सो अच्छा बंदा है वो। ओके, हो सकता है। योर बर्थडे? ओके, माय बर्थडे दिशान 6th ऑफ अगस्त। गुड बॉय, ये जगह मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मुझे इस दिन की प्रिपरेशन 2 दिन पहले से करनी होती है। 2 दिन पहले से? हाँ ना, उससे पहले पूरा प्लान चल रहा होता है, इम्प्लीमेंट 2 दिन पहले जो है वो करना होता है। ओके आपी, यू आर सो ब्यूटीफुल, आई लव योर पिक्चर्स एंड वीडियोस, लव फ्रॉम इंडिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आया है, आप इतनी स्वीट और इनोसेंट क्यों है? स्वीट तो बहुत है ये, लेकिन इनोसेंट कहाँ से? What do you mean? मतलब आप इतनी शरारती हैं, मैं जानता हूँ ना, इतनी चुलबुली है ना ये। बहुत सारी स्टोरीज है लेकिन मैं कैमरे पे नहीं बता सकता। I am not innocent, इसका आंसर आपको मिल चुका है। जिसने गलत लिखा है आपने। The last question is last but not the least, your bridal look were outstanding. ऐसे बहुत सारे मेरे लिए questions हैं, answers भी आप लोगों ने खुद ही दिए हैं। तो थैंक यू सो मच। बेस्ट कपल एवर सीन, माशाल्लाह, नज़र उतारा करें। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर विशेज, दुआज एंड कॉम्प्लीमेंट्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू लाइक आवर फर्स्ट वीडियो, जो कि कामयाब हुई है कि नहीं हुई है वो तो जब हम एडिटिंग कर रहे होंगे तभी पता चलेगा। तो आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड गिव इट अ बिग थम्स अप।